शाहिद कपूर और कृति सनन की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया आज फाइनली रिलीज हो चुकी है। इतना बड़ा टाइटल है इस फिल्म का क्योंकि शायद मेकर्स के पास कोई टाइटल का आइडिया नहीं था तो गाने को ही टाइटल रख दिया गया है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनर वाली मूवी है और वैसे बॉलीवुड में ऐसी मूवीज चल जाती है क्योंकि थोड़ा रोमांस, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है। लास्ट ईयर तू झूठी में मक्का रिलीज हुई थी जिसने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, ऑडियंस इसको पसंद भी आई थी। पर क्या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वो मैजिक क्रिएट कर पाएगी? वैसे तो इसके गाने बहुत ही सुपर हिट है, जो दो तीन गाने आए हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, प्रमोशन भी दबा कर किए इस फिल्म की। तो देखते हैं कि क्या ये फिल्म वो मैजिक क्रिएट कर पाएगी जो रोमांटिक कॉमेडीज कर लेती है और फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेती है थिएटर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरी बातों में उलझा जिया के मूवी रिव्यू के बारे में। तो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ये फिल्म का ट्रेलर देखते ही आपको कहानी का अंदाजा आ जाता है कि शाहिद कपूर एक रोबोटिक इंजीनियर है जो कि यूएसए में है। डिंपल कापड़िया जो कि उनकी आंटी है, उनकी एक रोबोटिक्स की कंपनी है और वो एक फीमेल रोबोट बनाते हैं जो कि है कृति सनन। अब फर्स्ट हाफ में लव स्टोरी दिखाई गई है शाहिद कपूर और कृति सनन की जो कि आपको बिल्कुल पका देने वाली है। जो सेकेंड हाफ है वो फिर भी थोड़ा बेटर है क्योंकि जब शाहिद कपूर इंट्रोड्यूस करते हैं कृति सनन को उनकी फैमिली के सामने तो उसमें थोड़ा ह्यूमर जनरेट होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाओ। इतनी वाहियात जोक्स यहाँ पे क्रैक किए जाते हैं जिसमें आपको हंसी भी नहीं आने वाली। ये एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जिसके अंदर रोमांस नहीं है, ये एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर कॉमेडी नहीं है और ये एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी है जिसके अंदर साइंस भी नहीं है। तो आप सोचोगे कि इस फिल्म के अंदर है क्या? ये फिल्म के अंदर सिर्फ दो ही चीज अच्छी है, वो एक चीज ये है कि शाहिद कपूर और कृति सनन की जो केमिस्ट्री है वो आपको ऑन स्क्रीन पर दिखने वाली है, वो बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात जो अच्छी है वो है इस फिल्म के गाने, वो आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे। उसके अलावा ये फिल्म आपको स्लो लगेगी, आपको बोरिंग लगेगी, कुछ पूरा फैमिली ड्रामा दिखाया गया है सेकेंड हाफ में, पूरा वो शादी के सीन्स दिखाए गए हैं, पूरा वेडिंग ड्रामा दिखाया गया है। तो ओवरऑल आपको फर्स्ट हाफ काफी बोरिंग लगेगा, सेकेंड हाफ आपको थोड़ा एंगेजिंग बट नॉट दैट ग्रेट लगने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फिल्म की तो ये फिल्म आप स्किप कर सकते हो, ये एक बिल्कुल मीडियोकर रोमांटिक कॉमेडी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वही एक प्लस पॉइंट है इस मूवी के अंदर, शाहिद कपूर और कृति सनन ने बहुत बढ़िया काम किया है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो आपको स्क्रीन पर दिखने वाली है। जो एक्सटेंडेड कास्ट है, जो शाहिद कपूर की फैमिली है, जैसे धर्मेंद्र जी और उनके जो फ्रेंड का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है लेकिन कई जगहों पर आपको हंसी आएगी और कई जगहों पर जोक्स बिल्कुल फ्लैट फॉल करेंगे। तो अगर स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी बहुत वीक है, डायरेक्शन वीक है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है और म्यूजिक एवरेज है इस फिल्म का। सो ओवरऑल गाइज, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें आपको हंसी कम जगहों पर आएगी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म में आपका पेशेंस चेक किया जाएगा। ये फिल्म के अंदर कुछ ही प्लस पॉइंट्स है जो कि है स्टार परफॉर्मेंसेस, जो केमिस्ट्री है शाहिद कपूर और कृति सनन की और जो म्यूजिक है, बस वही प्लस पॉइंट है। उसके अलावा ये बिल्कुल एक मीडियोकर मूवी है, आप चाहो तो इस मूवी को स्किप कर सकते हो और बिल्कुल ओटीटी पर देख सकते हो। तो गाइज आप फटाफट से कमेंट से बताइए कि क्या बॉलीवुड में अभी भी रोमांटिक कॉमेडी के लिए जगह है या ऑडियंसेस सिर्फ एक्शन और वायलेंस वाली मूवीज ही प्रिफर करने लगी है। ऐसे ही मूवी रिव्यूज और ट्रेलर रिव्यूज के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल सिनेमा झलक पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, अलोहा।